तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं हैदराबादी फैंस? मैं तो जानता हूँ कि भैया हैदराबादी फैंस मतलब आप लोग कैसे हैं। हैदराबादी बिरयानी खा के शायद हमारा इस वीडियो तो फुल एंजॉयमेंट के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए। इस वीडियो के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबादी फैंस को यहाँ पर रोसिंग मतलब आप लोगों पर रोसिंग सनराइजर्स हैदराबाद का। यहाँ पर विदेशी प्लेयर्स, पांच विदेशी नहीं, यहाँ पर एक भारतीय, पांच यहाँ पर बिग प्लेयर्स बोल सकते हैं, पांच कड़ाकेदार धमाकेदार प्लेयर्स यहाँ पर हमने सनराइजर्स हैदराबाद के यहाँ पर फ्रेंचाइज में घुसाए हैं। यहाँ पर इनके टारगेट प्लेयर लिस्ट में घुसाए 2023 में, जो जिनको यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं, इनके पीछे दौड़ सकते हैं, ये कुछ प्लेयर्स यहाँ पर आप लोग बोलेंगे। वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट होने वाले भैया यहाँ पर हैदराबादी फैंस के लिए, वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट होने, वीडियो के नीचे लाइक बटन दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। और भैया हमारे चैनल में जो नए हैदराबादी फैंस को बोल रहा हूँ, भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने को प्रेस कर दीजिए, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। तो ज्यादा देर नहीं कर गए और फटाक से आप लोग पर रोज देखे, पहले ये बोल देना चाहता हूँ कि भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वीडियो है, यहाँ पर पांच कड़ाकेदार धमाकेदार प्लेयर्स का नाम सुनते जाएगा हैदराबाद फैंस, एक भी यहाँ पर थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड तक वॉच करिए। हाँ भैया एंड तक वॉच करिए, यही मुझे आप लोगों के रिक्वेस्ट रहेगा मेरा ये आप लोगों तक। तो बस ऑलरेडी यहाँ पर बोल देते हैं पांच प्लेयर्स का नाम, पहले यहाँ पर आ जाता है दाऊद मल्लान। हाँ भैया दाऊद मल्लान को मैं रखूंगा, 2022 में अनसोल्ड रह गए थे कि ऐसे, यहाँ पर मुझे नहीं मालूम भैया दाऊद मल्लान यहाँ पर 2022 में इतने महान खिलाड़ी यहाँ पर अनसोल्ड रह गए थे, ये इनका पोजीशन है, दो तीन या चार नंबर पे इनको खिला सकते हैं। तीन या चार नंबर पे मैं यहाँ पर रखा हूँ क्योंकि भैया एक एज अ ओपनर भी यहाँ पर कुछ कमी दिख रहा है, केन विलियमसन ओपनर अगर हो जाते तो तीन नंबर पे यहाँ पर सटीक बैट्समैन नहीं दिख रहा है, तो तीन नंबर पे ये यहाँ पर तीन नंबर पे एट थ्री बैट्समैन मतलब टॉप ऑर्डर में भी यहाँ पर बैटिंग कर सकते हैं दाऊद मल्लान। तीन या चार नंबर पे इनको मिडिल ऑर्डर में गेम चलाने का यहाँ पर फुल एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर के प्लेयर में यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर टीम साइफर्ड। हाँ भैया टीम साइफर्ड जैसे यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन को रखा है, ये भैया ओपनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि भैया केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा का यहाँ पर 2022 का ओपनिंग देख के भैया थोड़ा यहाँ पर मैं भी यहाँ पर जो है यहाँ पर अवाक हो गया था कि क्या बोले यहाँ पर केन विलियमसन को, अगर थ्री नंबर पे बैट करते तो ये भैया ओपनिंग करने भी आ सकते हैं, ऊपर में इनको भेज सकते हैं टीम साइफर्ड और अभिषेक शर्मा, बढ़िया बैट्समैन यहाँ पर कर सकते हैं, देसी विदेशी कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर रह सकता है। बावजूद यहाँ पर तीन नंबर पे यहाँ पर आ जाते हैं भैया एक कड़ाकेदार ऑलराउंडर, इंग्लैंड ऑलराउंडर जो आपने बहुत सारा यहाँ पर डिमांड आया था आप लोगों, सैम करन। हाँ भैया मैंने भी यहाँ पर रिकमेंड किया है भैया सैम करन को, यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद जरूर यहाँ पर जाएंगे, आगे वाले साल में भी गए थे पर यहाँ पर 2022 में 22 से यहाँ पर थोड़े दूर रहते सैम करन ऑक्शन से, मेगा ऑक्शन से 2022 में, पर ये तो भैया मिनी ऑक्शन पर बोलते, तो भैया मिनी ऑक्शन जो होता है ये बोल सकते हैं विदेशी प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, मतलब विदेशी प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में घुसाने का ऑक्शन होता है, ज्यादा इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर नहीं आते मिनी ऑक्शन 2023 में। तो बस विदेशी प्लेयर्स की बात ही करें तो भैया सैम करन का क्यों नहीं करे, बहुत ही बढ़िया काबड़तोड़ प्लेयर्स है, ऑलरेडी जानते हैं एज अ फिनिशर ये बैटिंग कर सकते हैं, एज अ ओपनर भी कभी कभी करते हुए देखा, एक बार मैंने करते हुए देखा था सीएसके के वहां पर 32 रन जड़ी थी, तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया था 2020 में, मुझे ये याद है एक ही मैच इनको ओपनिंग करने दिया था और बॉल के साथ इनको स्विंग भी मिलता है, एज अ बॉलर चार ओवर इनिंग्स निकाल सकते हैं। पांच छठे नंबर के प्लेयर में आ जाते हैं यहाँ पर एलेक्स सेल्स, क्योंकि मैंने बोला है भैया ओपनर का कमी दिख रहा है यहाँ पर, केन विलियमसन अगर तीन नंबर पे बैटिंग करते अभिषेक शर्मा के साथ एक राइट ही अगर कॉम्बिनेशन हो जाता, एक विदेशी कॉम्बिनेशन हो जाता तो भैया अच्छा यहाँ पर केकेआर ने एलेक्स सेल्स को 2022 में रहे थे पर यहाँ पर एलेक्स सेल्स दूर रहे थे, एरन फिंच को यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिलाया था, तो गाइस यहाँ पर एलेक्स हेल जो यहाँ पर 2023 के मिनी ऑक्शन में आए, तो गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद इनको टारगेट करने के लिए जा सकते हैं, इंग्लैंड के बहुत ही ताबड़तोड़ यहाँ पर ओपनर हैं, यहाँ पर ओपनिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया ये ओपनर है एलेक्स हेल, इनको ले सकते हैं भैया, चमक जाएगा अपना भाग्य का तारा। तो गाइस ऑलरेडी पांचवा लास्ट प्लेयर भैया युवा सितारा हमारे चेतन साकरिया, तो जानते हैं चेतन साकरिया भैया क्या ही बढ़िया गेंदबाज है, क्या ही युवा गेंदबाज है, 2021 में भैया थे राजस्थान रॉयल्स में, 2022 के मेगा ऑक्शन में यहाँ पर डीसी दिल्ली कैपिटल्स में खरीद लिया था, ज्यादा नहीं एक ही या दो मैच खेले थे, यहाँ पर जॉस बटलर का बड़ा विकेट निकाला था मुझे याद है भैया, बहुत ही बढ़िया तरीके के गेंदबाज और युवा प्लेयर है, मैं इनके भरोसा इनके ऊपर भरोसा जताएंगे, तो भैया ये हमारे चेतन सकरिया भैया आपके टीम को भरोसा जता सकते हैं, टीम भरोसा जताएगा तो भैया प्लेयर्स किस काम के भरोसा जताएंगे भैया। यहाँ पर ऑलरेडी पांच प्लेयर्स का यहाँ पर पांच बिग प्लेयर्स का नाम बोल दिया, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, प्लेयर्स के साथ आप सहमत हैं या नहीं, और भैया वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, सब कुछ मिलती तो रहती है, पर सनराइजर्स हैदराबाद के यहाँ पर रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपडेट्स और यहाँ पर आईपीएल टारगेट प्लेयर्स भी आप लोग मिलते रहेंगे। तो कैसे आज के लिए इतने मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।